जस्ट इमेजिन लोग दीवारों पर चिपक जाते हैं, ज़मीन पर रेंगने लगते हैं और मंदिर के खभों पर लटक जाते हैं। ये मंदिर कुछ अलग है क्योंकि यहाँ करीब 25,000 काले चूहों का बसेरा है। कहते हैं कि साल के ये 3 दिन कामाख्या देवी के मासिक चक्र यानी पीरियड्स के दिन होते हैं, क्योंकि यहाँ चढ़ावे में फूल नारियल नहीं बल्कि शराब चढ़ाई जाती है, और यह दृश्य कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है। 2011 केरला के श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर की 5 तिजोरियों को खोल जाता है और उसमें से करोड़ का खजाना मिलता है, सोना, हीरे, जवाहरात और कई सारे मूर्तियां। यह देखकर हर किसी की आंखें खुली की खुली रह गईं। पर आज भी यहां की 6ठी तिजोरी बंद है और उसमें कैद है कई सारे रहस्य। इस तिजोरी के दरवाजे पे 2 नाग बने हुए हैं और ऐसा माना जाता है कि इस दरवाजे को एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र से बंद किया गया है। और जी, दिन यह दरवाज़ा खुलेगा उसे दिन इस दुनिया का नाश हो जाएगा। कोई नहीं जानता कि अंदर क्या है और कितना खतरनाक है, पर इस मंदिर का रहस्य आज भी एक रहस्य है। भारत में ऐसे ना जान कितने मंदिर हैं जो इतने सारे रोचक किशोर कहानियां से भरे हैं, जिनके बड़े में आप जितना जानना शुरू करेंगे उतना ही हैरान रह जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम भारत के ऐसे ही कुछ मिस्टीरियस टेम्पल के बड़े में बात करेंगे, जो इस बात का जीता जगत सबूत है कि हमारी सभ्यता कितनी पुरानी है और इसमें कितने गहरी राज छुपे हैं। करणी माता टेम्पल देशनौक राजस्थान रहस्याओं के इस दुनिया में सबसे पहले मंदिर है। करणी माता मंदिर राजस्थान के देश में बना। ये मंदिर लगभग 500 साल पुराना है। इस मंदिर से बहुत मान्यताएं जुड़ी हैं। यहाँ दर्शन करने के लिए हजारों लोग दूर दूर से आते हैं। पर जहाँ एक तरफ मंदिरों को पवित्र माना जाता है, सुबह शाम वहाँ सफाई की जाती है। ये मंदिर कुछ अलग है क्योंकि यहाँ करीब 25,000 काले चूहों का बसेरा है। और तो और, इन चूहों से दूर भागने की बजाय इस मंदिर में इन्हें पवित्र माना जाता है। कहते हैं कि यह चूहे करनी माता के परिवार के लोग हैं और इसीलिए मंदिर में काम करने वाले भक्ति और पुजारी भी इन्हें अपना परिवार मानते हैं। यह चूहा पूरे गर्भगृह से लेकर मंदिर की रसोई तक हर जगह घूमते रहते हैं। नॉर्मली चूहा अगर किसी खाने की चीज़ को झूठ कर देते हैं तो हम बीमा होने के डर से उसे खाने को फेंक देते हैं, राइट? लेकिन इस मंदिर में चूहों के झूठ खाने को प्रसाद माना जाता है और ऐसे मान्यता है कि इस प्रसाद को खाकर भी आज तक कोई बीमा नहीं हुआ है। इनफैक्ट यहाँ भक्ति चूहों के साथ एक ही थाली में खाना खाते हैं। इस मंदिर के नियमों के हिसाब से यहाँ पैर उठाकर चलने की बजाय घसीट के चलना होता है ताकि कोई चूहा पैरों के नीचे दब ना जाए। अगर कोई चूहा गलती से पर के नीचे आ जाता है तो इसे अशुभ माना जाता है, लेकिन अगर वही चूहा आपके पैरों के ऊपर से गुजरा है तो उसे माता का आशीर्वाद माना जाता है। यहाँ हजारों काले चूहे में कुछ सफ़ेद चूहे भी हैं। कहा जाता है कि यह चूहे करनी माता के बेटे हैं और इसलिए अगर इनके दर्शन मिल जाए तो ये एक बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात होती है। एक ऐसा मंदिर जहाँ चारों तरफ चूहे हैं, आप चल रहे हैं और आपके ऊपर जाल से चूहे लटक रहे हैं, क्या आप दर्शन के लिए जाएंगे? पर यह इकलौता चौंका देने वाला मंदिर नहीं है। कामाख्या टेम्पल गुवाहाटी असम। कामाख्या देवी मंदिर हिंदू धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ हर साल लाखों भक्त देवी के दर्शन के लिए आते हैं। माना जाता है कि यह मंदिर भारत के सबसे पुराने शक्तिपीठों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि जब देवी सती ने अपने पिता के यहाँ अपमानित होकर यज्ञ में कूद के अपनी जान ले ली थी, तब शिवाजी बहुत दुखी हुए और वो उनके जेल हुए शरीर को लेकर ब्रह्मांड के चक्कर लगाने लगे। तो उसे समय विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी के शरीर के 51 टुकड़े किया और इन्हीं में से देवी की योनि यहाँ आकर गिरी थी। हर साल जून के महीने में कामाख्या देवी मंदिर के पास से बहाने वाली ब्रह्मपुत्र नदी में 3 दिन तक लाल रंग का पानी बहता है। कहते हैं कि साल के ये 3 दिन कामाख्या देवी के मासिक चक्र यानी पीरियड्स के दिन होते हैं। इन 3 दिनों को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ मेला लगता है जिसे आबूबाजी कहते हैं। 3 दिन बाद देवी की मूर्ति को नहलाकर पूजा करने के बाद मंदिर के द्वार भक्तों के लिए खोल जाते हैं। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि यहाँ के पंडित पानी को लाल बनाने के लिए उसमें सिंदूर मिला देते हैं और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल वाली बात जो है वो गलत है। कई साइंटिफिक थियरी ये कहती है कि वहाँ की मिट्टी में आयरन भरपूर मिलता है जो पानी से रिएक्ट होकर लाल रंग को प्रोड्यूस करता है। पर आप ही सोचिए कि अगर नदी का पानी लाल करना है तो कितना ज़्यादा सिंदूर लगेगा, क्या ये पॉसिबल है?
और अगर मिट्टी के आयरन से पानी का कलर लाल हो जाता है तो ऐसा साल में सिर्फ 3 दिन क्यों होता है? भक्त इसे कामाख्या देवी का चमत्कार मानते हैं। इस रहस्य के अलावा यह मंदिर तंत्र विद्या के लिए भी मशहूर है। यहाँ 10 महाविद्यालय बस्ती हैं जिन्हें तांत्रिक ट्रेडिशन में हाईएस्ट गॉड्स मानते हैं। यह 10 महाविद्यालय दुर्गा माँ के 10 रूप हैं। अंबुबाची मेले के समय यहाँ कई सारे तांत्रिक भी आते हैं जो पूरे साल भारी दुनिया से दूर एकांत में रहते हैं। इस मंदिर से मिले पत्थरों को कामया सिंदूर के नाम से भेजो जाता है। माना जाता है कि इस सिंदूर में लोगों के दिमाग को वश में करने की ताकत है, इसीलिए इसे वशीकरण सिंदूर भी कहा जाता है। कल भैरव मंदिर उज्जैन मध्य प्रदेश, भगवान भैरव का ये शिव जी के अवतार है और इन शक्तिपीठों के रखवाले भैरव का मंदिर भी देवी के मंदिर के पास ही होता है और इन्हें भी देवी के साथ पूजा जाता है। लेकिन उज्जैन का काल भैरव मंदिर थोड़ा अलग है क्योंकि यहाँ चढ़ावे में फूल नारियल नहीं बल्कि शराब चढ़ाई जाती है, जहाँ शराब के ठेके और मदिरा को मंदिरों से कोसों दूर रखा जाता है। उसके बिल्कुल विपरीत इस मंदिर में शराब को प्रसाद में चढ़ाया जाता है। बाकी मंदिरों के बाहर जैसे सड़क किनारे लोग फूल मलाई, नारियल और मिठाइयाँ बेचते हैं, इस मंदिर के बाहर इस तरह शराब बिकती है। मंदिर के बाहर कई सारे ऐसे काउंटर्स हैं जहाँ देसी और विदेशी दोनों टाइप की शराब मिलती है। भक्ति शराब लेकर पुजारी को देते हैं जिसे एक प्याली में भरकर भैरव बाबा के पास ले जाया जाता है। वो प्याला जैसे ही उनके होठों के पास पहुंचता है वह शराब धीरे धीरे गायब होने लगती है। वो कहाँ जाती है ये आज तक कोई नहीं जान पाया। इस मंदिर में बाबा की बची हुई शराब को प्रसाद के रूप में भक्तों में वापस बांटा जाता है। लेकिन यहाँ खराब चढ़ाना कोई कोइंसिडेंस नहीं बल्कि एक तांत्रिक रिचुअल है। कल भैरव का तंत्र विद्या से जुड़ा होना कोई नई बात नहीं है। तांत्रिक को योगी अलग अलग सिद्धियां अपने के लिए भैरव की साधना करते हैं। पंचम कर या पंच तत्व 5 ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका इस्तेमाल तंत्र विद्या में किया जाता है। मध्य यानी अल्कोहल मांसा यानी मीट, मत्स्य यानी फिश मुद्रा यानी पाउंड गगरेन और मैथुन यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स। माना जाता है कि पहले ये 5 सब्सटेंस यहाँ पे ऑफर किया जाते थे पर धीरे धीरे बाकी के 4 सिर्फ एक सिंबॉलिक रिचुअल्स बन के रह गए। दत्तात्रेय टेम्पल गंगापुर मध्य प्रदेश, भारत में ऐसे कई मंदिर हैं जो कल जादू और एग्जॉर्सिज्म के लिए जान जाते हैं। और ऐसे एक मंदिर मध्य प्रदेश में भी है जो बैतूल जिला के गंगापुर में है। भगवान दत्तात्रेय जिन्हें श्रीनाथ भी कहा जाता है, ये ब्रह्मा विष्णु और महेश के अवतार हैं। वैसे तो यहाँ की हवा में एक अजीब सा एहसास हमेशा घुला रहता है लेकिन पूर्णिमा और अमावस के दिन यहाँ जो कुछ होता है वो देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जहाँ एक तरफ मंदिरों में शांति का माहौल होता है वहीं दूसरी तरफ ये मंदिर हर अमावस और पूर्णिमा के साथ डरावनी चीज़ों और आवाज़ों से भर जाता है क्योंकि इस दिन यहाँ हजारों लोग जमा होते हैं जिन पर बुरी आत्माओं का साया होता है। सुबह 11:30 बजे इस मंदिर में महामंगल आरती होती है और इस आरती के साथ यह मंदिर इन लोगों की चीखों से गूंजते लगता है। चीखते चिल्लाते यह लोग भगवान को अब्यूज़ करते हैं और ऐसा माना जाता है कि बुरी आत्माएं उन पर वश करके उनसे ये सब करवाती है। इस दौरान ये लोग मंदिर की दीवारों और पोल्स पर चढ़कर लटक जाते हैं और कुछ लोग वहाँ ज़मीन पर रेंगने लगते हैं। अब ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में जाने के बाद और महामंगल आरती में हिस्सा लेने के बाद बुरी आत्माएं इन लोगों के शरीर को छोड़कर चली जाती है। जस्ट इमेजिन, लोग दीवानों पर चिपक जाते हैं, ज़मीन पर रेंगने लगते हैं और मंदिर के खंभों पर लटक जाते हैं। उन चीखते चिल्लाते लोगों की लाल आँखें और बिखरे बाल देखकर हर किसी का दिल बहल जाता है और ये दृश्य कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है। तो ये थे भारत के 5 मिस्टीरियस टेम्पल जो कि एक बड़ी सी सभ्यता का एक छोटा सा हिस्सा है। ये देश जादू चमत्कार तंत्र भूत प्रेत आस्था रहस्य और विश्वास से भरा हुआ है। अगर आप ऐसे ही किसी मंदिर के बड़े में जानते हैं जिनके साथ रहस्य जुड़े हुए हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टेट यूनियन पर मोर अनसुनी, अनकही और अनदेखी कहानियाँ